हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो मीन ड्वार्फ, हैविंग स्मॉल साइज, एंड इट इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। सो नैनो मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक डायमेंशन, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, या जिसे उसे हम उसकी हाइट कहते हैं, कोई एक डायमेंशन वो नैनो रेंज में होनी चाहिए। नैनो रेंज में कितनी? 1 to 100 नैनोमीटर रेंज में। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ये एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल्स की स्टडी है इन अ रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। तो अगर हम नैनो केमिस्ट्री की बात करें तो सिंथेसिस, एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस एट द नैनो स्केल, समटाइम 100 से 1000 नैनोमीटर तक भी नैनोमीटर ही कह सकते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, नैनो मटेरियल्स जो हैं वो उन्हें कहेंगे जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर तक हो। अब नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एंडीवर है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मटेरियल साइंस, आईटी, आगे हम इसकी एप्लीकेशन बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जब देखेंगे, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं हर हर फील्ड में। हम देखते हैं कि जनरली हम कैसे साइज को समझ सकते हैं कि नैनोमीटर क्या साइज है। जितना अर्थ के कंपैरिजन में एक फुटबॉल है ना, उतना ही तकरीबन फुटबॉल के मुकाबले में एक नैनो पार्टिकल है। तकरीबन जो है 1 मिलियन से 10 मिलियन टाइम्स जो है एक फुटबॉल से स्मॉलर साइज होता है एक नैनोमीटर पार्टिकल का। अगर हमारे नेल्स 0.05 सेंटीमीटर एक वीक में ग्रो करें तो उसका मतलब है एक सेकंड में एक नैनोमीटर ग्रो कर रहे हैं। ये आप अपना भी हिसाब लगा सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी हिसाब से। एक और जनरल सी बात है कि फुटबॉल का एक ग्राउंड है, उसको पेंट करना है अगर हमने, और पेंट की जो लेयर है उसकी थिकनेस 1 नैनोमीटर रखनी है, तो जस्ट 1 टीस्पून जो है पेंट वो ही काफी होगा पूरे फुटबॉल फील्ड को, ग्राउंड को पेंट करने के लिए। नैनो कितना होता है और कंपैरिजन देखते हैं। वाटर जो है उसका मॉलिक्यूल 0.1 नैनोमीटर है, ग्लूकोज का 1, एंटीबॉडी वायरसेस 10 to 100 हैं, बैक्टीरिया 1000 हैं, कैंसर सेल 10,000 to 100,000 है, मीन 1 लाख नैनोमीटर तक हो सकता है। एक पीरियड या फुल स्टॉप इसे हम कहते हैं, ये 1 मिलियन नैनोमीटर साइज का हो सकता है, और एक टेनिस बॉल जो है वो 100 मिलियन नैनोमीटर की होती है अराउंड। ये एक अप्रोक्सीमेट जो है नैनो का साइज है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, एक एटम जो है वो अराउंड 0.3 नैनोमीटर साइज है, एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स के बीच में 0.12 से लेके 0.15 नैनोमीटर तक डिस्टेंस होता है, एक रेड ब्लड सेल्स, एक सेल जो है रेड ब्लड वो 6000 नैनोमीटर का डायमीटर का होता है, और इंटरेस्टिंगली एक ह्यूमन हेयर जो है 80000 नैनोमीटर का जो है उसका डायमीटर है। डिड साइंटिस्ट क्रिएट नैनो? के साइंटिस्ट ने ही पहली दफा नैनो क्रिएट किए या नेचर में ऑलरेडी थे?
इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स जो हैं वो वॉल्स पे स्टिक करती हैं, क्योंकि जो है फीट पे नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पाइडर वेब्स जो हैं उसमें नैनो फाइबर्स होते हैं और उनके मिलने से एक स्ट्रॉन्ग वेब बनता है। बटरफ्लाइज जो होती हैं इनके विंग्स पे टाइनी नैनो क्रिस्टल्स होती हैं जो रिफ्लेक्शन शो करती हैं, डिफरेंट कलर्स शो करती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो नैनो साइज की फैक्ट्रीज हैं जो ग्लूकोज और फूड प्रोड्यूस करती हैं। और इनफैक्ट नैनो टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट ने नेचुरल मटेरियल को कॉपी किया है। हिस्ट्री, एक ब्रीफ सी हिस्ट्री देखते हैं। अराउंड 2000 इयर्स अगो सल्फाइड नैनो क्रिस्टल्स यूज की जाती थी। ग्रीक्स और रोमन्स जो हैं हेयर डाई करने के लिए यूज करते थे। 1000 इयर्स अगो को मिडल एजेस कहते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल यूज किए जाते थे। डिफरेंट कलर की ग्लास विंडोज बनाने के लिए। उसके बाद 1974 में सबसे पहली दफा ये टर्म यूज की गई। 1981 में स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप जो है जब वो डेवलप की गई तो उससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का और नैनो पार्टिकल्स का साइज जो है उसको स्टडी करना जो है वो और ज्यादा क्लियर हो गया। 1985 में कार्बन की जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म बकी बॉल्स वो डिस्कवर हुई, जिसमें C60 कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। और 1981 में अगेन कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो डिस्कवर की गई। सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया में स्वीट्स के ऊपर जो है एक बारीक सी आपने लेयर देखी होगी। आजकल तो वो सिल्वर की चांदी की कहा जाता है। पुराने जमानों में जब बादशाह होते थे वो स्वीट्स पे खानों पे गोल्ड फॉइल्स भी जो हैं उसकी जो है रैपिंग करते थे, कोटिंग करते थे। और इसकी अराउंड थिकनेस जो है वो 300 नैनोमीटर होती है। ये डिफरेंट मसाला जात हैं, इसके ऊपर भी जो है चांदी की कोटिंग की हुई है। हमारे पाकिस्तान में तो ट्रेंड कम है, इंडिया में ये जो है इसका ट्रेंड है कुछ। नैनो से होता क्या है? जब साइज जो है वो डिफर कर जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, वहां पे प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा कप है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो पानी में रखेंगे तो डूब जाएगा। एक छोटा सा कप है, वो पानी में रखेंगे तो डूबेगा नहीं। मीन हम कह सकते हैं इसकी ग्रेविटी नहीं है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ये स्टेन्ड ग्लास है, ये सिल्वर के नैनो साइज के प्रिज्म। देखें नैनो मटेरियल्स जो है वो नैनो पार्टिकल ही नहीं होता, नैनो प्रिज्म है, नैनो वायर्स हैं, नैनो शीट्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं, स्टार शेप हैं, प्रिज्म शेप्ड हैं, बहुत से डिफरेंट शेप्स के हैं। यहाँ पे जी 100 नैनोमीटर सिल्वर का ये कलर होगा, गोल्ड का डिफरेंट कलर होगा। अगर गोल्ड का साइज 100 से 50 कर दिया जाए तो कलर जो है गोल्डन से ग्रीन हो जाएगा। और अगर सिल्वर नैनो प्रिज्म 100 नैनोमीटर के हैं उसका कलर जो है रेडिश होगा। और अगर यही सिल्वर सफियर हो 100 नैनोमीटर के, उसका कलर जो है ये आप इसको ब्राउन कह लें, ये होता है। और अगर यही 100 से इनका साइज 80 नैनोमीटर से हो जाए तो लाइट ब्लू हो जाता है। और अगर यही साइज जो है 40 नैनोमीटर हो जाए तो कलर जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कलर चेंज होने से, उसकी शेप और मॉर्फोलॉजी चेंज होने से, सॉरी साइज चेंज होने से और मॉर्फोलॉजी चेंज होने से कलर चेंज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। एक ही मटेरियल है, स्टेन ग्लास जो है साइज और शेप जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड है, गोल्ड के डिफरेंट साइज और शेप के अगर पार्टिकल लिए जाएं तो उनके कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। गोल्डन से पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू हो जाएंगे। यहाँ पे ये पार्टिकल की शेप नीचे गिवन है।
की डिफरेंसेस क्या है? बल्क मीन बड़ा आम जो मटेरियल हम जिससे हमारा वास्ता पड़ता है। दो प्रिंसिपल या मेजर फैक्टर्स हैं जो उसमें से आसान है हमारे लिए समझना, वो है रिलेटिव सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है नैनो जब साइज हो जाएगा सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा क्वांटम इफेक्ट्स, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सरफेस एरिया ज्यादा होने से रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा एटम्स का प्रोपोर्शन जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अगर पार्टिकल साइज 30 नैनोमीटर हो तो उसमें जस्ट 5% एटम्स जो है वो सरफेस के ऊपर होते हैं, और डेफिनेट बात है रिएक्शन में सबसे पहले सरफेस वाले एटम्स ही जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो रिएक्ट करेंगे, फिर अगले फिर अगले फिर अगले आएंगे। और साइज 10 नैनोमीटर हो जाए 30 से, तो फिर 20% एटम जो है वो सरफेस पे होंगे, और 3 नैनोमीटर में भी जो है 50% जो है वो एटम्स जो है वो सरफेस के ऊपर होंगे, और 50% जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मैस। और इससे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है, कैटालिसिस जो है, कैटालिटिक रिएक्शंस जो हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डेफिनेट बात है रिएक्शंस जो है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसकी कैटालिसिस की जो है एफिशिएंसी जो है, कैटालिस्ट की एफिशिएंसी इनफैक्ट वो ज्यादा। व्हाई डज दिस हैपन? नैनो ऑब्वियस सेम फंडामेंटल बेसिक लॉज वही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो स्मॉल लेवल पे डिफरेंट होती हैं, बड़े लेवल पे डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक आसान सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है कॉपर वायर 1 सेंटीमीटर डायमीटर में से मूव कर रहा है, और वो कभी बाउंड्री तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये 1 सेंटीमीटर के बजाय 1 नैनोमीटर डायमीटर की वायर हो जाए तो डेफिनेट बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड्री तक फौरन जो है वो जाता रहेगा। इसका मतलब है साइज डिफरेंट होने से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि साइज कम होने से सरफेस एरिया कैसे ज्यादा होता है। ये सिंगल बॉक्स है, ये इसकी एक साइड 1 मीटर की है, और डेफिनेट बात है ये दूसरी साइड स्क्वेयर है, तो 1 × 1 इसकी एक सरफेस का जो है एरिया 1 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। तो 6 साइड्स हैं तो इसका एरिया जो है वो 6 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम बात करें, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 1 × 1 × 1 × 1 होगा तो 1 मीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम रेशियो देखते हैं 6 मीटर की है, 6 रेशियो है इनफैक्ट। तो यहाँ पे जब इसका साइज कम कर लिया, स्मॉलर बॉक्सेस हो गए, इसका जो है डेफिनेट बात है अब ये जो दरमियान वाली सरफेस है जो हमें नजर यहाँ पे नहीं आ रही, या इधर दरमियान वाली सरफेसेस हैं वो भी एक्सपोज हो गई, तो अब जो है यहाँ पे 12 हो गया। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो डबल हो गई, वॉल्यूम वही रहा लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया। एक और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे ईच इंडिविजुअल जो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर है उसका, तो उसका एरिया जो है हर साइड का 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा। 1 × 1 6 साइड है तो सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो भी हमने देखी उसी तरह है, 6 है ये। और अगर इसी तरह के 64 शुगर क्यूब्स लें हम, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और इसका सरफेस एरिया जो है 6 साइड्स का सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है इसका वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यह है 1.5 रेशियो जो है कहता। अगर हम इन्हें अलग अलग कर लें तो इंडिविजुअल क्यूब्स का लेंगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया 384 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि पहले की निस्बत जो है 96 की निस्बत जो है 4 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर से हाफ करने पे जो है इसका सरफेस एरिया डबल हो गया। यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल गिवन है।
थोड़ा सा मैस है, सारे का सारा सरफेस के ऊपर है, इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर से, हीट से, कोल्ड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम है लेकिन सरफेस के ऊपर कम है, तो इसलिए जो है चेंजेस जो आती हैं उससे वो कम जो है इफेक्ट होते हैं। बहुत सी बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन जो मेजर है, जो मेन है हमारा साइज की बेस पे है, तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन मीन उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो सारी जो है वो नैनोमीटर में हो, लेंथ भी नैनोमीटर में हो, विड्थ भी और हाइट भी, तो इसे हम कहते हैं नैनो डॉट कहते हैं या नैनो पार्टिकल कहते हैं। वन डायमेंशन में, यहाँ पे ये एग्जांपल है, वन डायमेंशन का मतलब है कि उसकी एक जो डायमेंशन है उसकी नॉर्मली जो है वो विड्थ होती है, नैनो वायर्स की जो है विड्थ जो होती है वो 1 नैनोमीटर होती है ये वाली, और बाकी लेंथ तो डेफिनेट बात है ज़्यादा होगी। नैनो वायर्स या नैनो ट्यूब्स भी होती हैं, 1 नैनोमीटर नहीं, 1 से 100 नैनोमीटर सॉरी। टू डायमेंशन मीन दो डायमेंशन जो हैं, इस तरह ये शीट टाइप ये हो गया, ये सरफेस कोटिंग होगी ये वाली, इसमें टू डायमेंशन जो हैं नॉर्मली जो है लेंथ इसमें नैनोमीटर नहीं होती, बाकी विड्थ और हाइट जो है इसमें नैनोमीटर रेंज में होती है। और थ्री डायमेंशन इसमें जो है इसकी एग्जाम्पल जो है वो क्रिस्टल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नैनो स्फीयर के, नैनो रॉड्स हैं, नैनो कैप्सूल्स हैं, नैनो शेल्स और टाइप है मटेरियल, और लाइपोसोम्स हैं, ये सारे नैनोज के डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट जो है मटेरियल्स के नैनो हैं। नैनो मटेरियल बन किन के सकते हैं? नैनो मटेरियल ऑर्गेनिक के बन सकते हैं, इनऑर्गेनिक के बन सकते हैं, और इन दोनों के हाइब्रिड्स के बन सकते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन के हैं, नैनो ट्यूब्स हैं कार्बन की, इलेक्ट्रोस्पन फाइबर्स हैं, नेचुरल भी पॉलीमर्स हो सकते हैं, वो सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में प्योर मेटल्स के हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के हो सकते हैं, और इन दोनों के हाइब्रिड्स जिन्हें हम समटाइम कंपोजिट्स वगैरह भी कहते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के प्रॉपर्टीज क्या हैं? नैनो स्केल पे प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। ओपेक सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, जैसे कॉपर है एग्जांपल गिवन है, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्साइड नहीं बनाता, लेकिन नैनो पे बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी, कंबस्टिबल हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बात है ये भी। सिलिकॉन जो है वो इंसुलेटर टाइप है और वो कंडक्टर बन सकता है, और ये उससे भी इंटरेस्टिंग है कि सॉलिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे नैनो साइज पे लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे हैं। एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जस्ट सपोज हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर है, मीन एक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ का एक बॉक्स पड़ा हुआ हमारे पास। अगर हम उसकी 10 नैनोमीटर की शीट्स काटें ना, उसकी ऐसी शीट्स काटे उसके ऊपर जिसकी विड्थ या मोटाई जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं वो 10 नैनोमीटर हो, और उसको जमीन पे बिछाते जाएं, तो वो 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा। मीन 1 लाख मीटर उसकी लेंथ होगी जिस जगह पे बिछाएंगे, और 1 लाख मीटर जो है उसकी विड्थ होगी। यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि एक क्यूब जिसकी जस्ट 6 साइड्स हैं, 1 मीटर उसका स्क्वेयर है, 6 मीटर स्क्वेयर उसका टोटल एरिया है, अगर उसको नैनो साइज में कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो 6 मीटर स्क्वेयर की बजाय 1 लाख मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। तो नैनो स्ट्रक्चर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज बेटर होती हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज तो बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक और कॉमन एग्जांपल ले लें, चीनी है, अगर सॉलिड होगी, बड़े बड़े पीसेज होंगे, पानी में डालेंगे तो डेफिनेट बात है उसकी सोलबिलिटी कम होगी, और अगर उसे बारीक पीसेंगे नैनो साइज हो जाएगा तो फौरन जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी।
इसी तरह रिएक्टिविटी का है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इन्हांस हो सकती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं चेंज हो जाती हैं, सुपर पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं नैनो जो हैं, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मीन के परमेबिलिटी जो है मेम्ब्रेन से वो ज़्यादा हो जाती है नैनो स्केल पे। इसे कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये जी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल से ऊपर साइज बड़ा साइज होता जाएगा तो नैनो क्रिस्टल और क्लस्टर्स बनते जाएंगे, उनका साइज गिवन है और एग्जांपल्स गिवन है। फिर नैनो वायर्स होंगी, नैनो ट्यूब्स होंगी 100 to 100 नैनोमीटर डायमीटर की, नैनो पोरस सॉलिड्स होते हैं जियोलाइट्स फॉस्फेट्स, और 2D रे होते हैं, उसके अलावा सरफेस और थिन फिल्म्स हैं, उसके अलावा 3D स्ट्रक्चर्स हैं। इससे बड़े जो मटेरियल होंगे फिर वो बल्क में आ जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स, इनमें कार्बन नैनो ट्यूब्स या फुली रिंग्स होती हैं, ये ग्रेफीन या कार्बन की शीट्स होती हैं, और ट्यूब्स जो होती हैं उन्हीं शीट्स को रोल किया गया होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ये स्टील से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। दो तरह की होती हैं CNTs, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये एब्रीवेशन है, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स और मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। इनके फायदे क्या हैं? यूनिक हैं, थर्मली कंडक्टिव हैं अलोंग द लेंथ, और नॉन कंडक्टिव हैं अक्रॉस द ट्यूब। ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। फुली रिंग्स जो हैं वो कार्बन कैलोट्रॉप्स हैं, होलो कैविटी होती है, उसमें 60 एटम तक होते हैं उस जो है कैविटी कह लें, या जो भी हो एक स्पीशीज या एक नैनो साइज का जो है वो फुटबॉल टाइप कह लें आपको होलो स्ट्रक्चर होता है। मेटल नैनो पार्टिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी के डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी हाई एनर्जी होती है, इनके यूजेस हैं डिटेक्शन और इमेजिंग है बायो मॉलिक्यूल्स की, एनवायरनमेंट में गैसेस को या दूसरे हार्मफुल कोई भी सब्सटेंस हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है सैंपल को एनालिसिस से पहले कोटिंग करने के लिए यूज करते हैं। सिरेमिक्स के हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बाइड कार्बोनेट फॉस्फेट, ये इनसे बनते हैं नॉर्मली। ये हीट रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, यूज होते हैं फोटोकैटालिसिस में, डिग्रेडेशन ऑफ डाइज में, ड्रग डिलीवरी, इमेजिंग में। एप्लीकेशन हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, हम यहाँ पे अभी एप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं। सेमी कंडक्टर नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका बैंड गैप जो है वाइड होता है, इसकी वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं फोटोकैटालिसिस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। और इंटरेस्टिंगली पॉलीमर्स के भी नैनो पार्टिकल बन सकते हैं। नैनोस्फीयर में मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक्टिव कंपाउंड है और पॉलीमर्स जो है उसको डिस्पर्स किया गया होता है, और एक्टिव कंपाउंड के इर्द गिर्द जो है पॉलीमर्स जो है वो कैप्सूल बना लेता है, इसे कहते हैं कोर शेल। एक कोर होता है अंदर, उसके ऊपर एक शेल होता है। इसके एडवांटेजेस हैं कंट्रोल्ड रिलीज, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ये जो है कैंसर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक्स है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट नैनो मटेरियल, इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके डिफरेंट प्रेपरेटरी मेथड्स, और उसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस क्या है।